एक और बहुत अनोखा काम गाय और बैल के गोबर से संभव है। गाय के गोबर से जब हम गैस बनाते हैं, उस गैस को हम कई तरह के उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि उसे खाना बनाना है, या उसे बिजली पैदा करनी है, या अभी जो नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई है उसमें गोबर गैस से या बायोगैस से हम कोई भी वाहन चला सकते हैं। वाहन चलाने की जो तकनीकी है वह IIT दिल्ली में हमने विकसित की है। इसके माध्यम से गोबर गैस से उसको परिशोधित किया जाता है और उस परिशोधित गैस को हम हाई प्रेशर सिलेंडर में भरकर वाहन चलाते हैं। उसके लिए एक यंत्र की ज़रूरत है। उस यंत्र में क्या करते हैं कि जो बायोगैस होती है उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है, 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड। पानी के माध्यम से हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलकर नीचे से बहा दिया जाता है और ऊपर से शुद्ध मीथेन हम प्राप्त करते हैं। उस मीथेन में लगभग 95% मीथेन, बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब 95% मीथेन हमको प्राप्त होती है, उसको हम 200 बार प्रेशर पर हाई प्रेशर सिलेंडर में भरकर CNG की तरह कोई भी वाहन में उपयोग कर सकते हैं।